वेलकम बैक टू माई चैनल क्रैकबोर्ड 1920. सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए टॉपिक पॉलिनॉमियल. वट इज़ अ पॉलिनॉमियल? अ फंक्शन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीग्रल इज अ पॉलिनॉमियल. पॉजिटिव इंटीग्रल व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीग्रल. दैट मीन्स सपोज x का मतलब है जो भी वेरिएबल आप काउंट कर रहे हैं. अगर सपोज आप y में पॉलिनॉमियल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पी वाई यूज़ करेंगे. z में पॉलिनॉमियल यूज़ कर रहे हैं तो पी जेड यूज़ करेंगे. ठीक है, वट इज़ डिग्री? डिग्री इज हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक ए एक्स प्लस बी, दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल बिकॉज हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 1. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हियर डिग्री इज 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. राइट, नेक्स्ट वन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिकॉज डिग्री इज 3. डिग्री इज हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज एक्स. बट व्हेन पावर ऑफ एक्स यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज इन नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इन फ्रैक्शन. For example, under root x plus 2, x to the power 3 by 2 plus 5, these are not polynomial. But under root 2 into x square plus 5 is a polynomial. जो coefficients हैं x square या x के, वो under root में possible हैं, but x की power under root में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, so next topic is zeros of the polynomial. Topic is zeros of the polynomial. सबसे पहले zeros का meaning क्या है? सपोज हमें कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन है पी एक्स. ठीक है, हमने पी एक्स को पुट करना है ज़ीरो के इक्वल. पुट पी एक्स इज ज़ीरो. ठीक है, दैट मीन्स 2x माइनस 1 इज ज़ीरो. यहाँ से हम जो x की वैल्यू फाइंड करें वो कहलाएगा ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल में तो आपको वैल्यू पी एक्स की क्या मिलनी चाहिए? ज़ीरो के इक्वल. दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वी पुट इन पी एक्स वी विल गेट वैल्यू ज़ीरो. ओके, सो एक्स इक्वल्स टू हाफ इज अ ज़ीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल 2x माइनस 1. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? सपोज वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 1, व्हेन वी कैलकुलेट टू पॉइंट्स एट लीस्ट मिनिमम. When x equals to 0, what is y? Y is minus 1. When x equals to 1, what is y? Y is 2 minus 1, that is 1. When we draw the graph of this polynomial, we will get a simple line. Linear का मतलब है कि जब हम उसको graphical represent करें तो वो हमें एक line मिल जाए. ठीक है, ये हमने एक line draw कर दी. ठीक, जो भी ग्राफ आप पॉलिनॉमियल का ड्रॉ करें वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करता है, दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज जीरोज ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉलिनॉमियल. फॉर एग्जांपल, इन दिस पॉलिनॉमियल ओनली 1 0 एग्जिस्ट. ठीक, अनदर एग्जांपल हमने लिया, कोई आपको ग्राफ गिवन है. सपोज ये ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ में जो गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे काउंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, सो देयर इज नो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. दिस ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी, दैट मीन्स दिस पॉलिनॉमियल हैज टू जीरोज. अगेन, this graph cuts x axis at different 3 points a b and c, so this polynomial has 3 zeros. That means particular graph of a given polynomial cuts x axis at how many points, that are the zeros of that particular polynomial. ओके, सो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ अगर आपको गिवन है कि वो कितने पॉइंट्स पर कट करता है पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को, वो कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक काउंट कर रहे हैं, फिर क्यूबिक. क्यूबिक वैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपके लिए है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल.
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्म है दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वॉट इज ए? ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वॉट इज बी? कोफिशियंट ऑफ एक्स. एंड सी इज हेयर कॉन्स्टेंट टर्म. नाउ लेट टू जीरोज आर एल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Then product of the roots is c upon a. C is here constant term and a is coefficient of x square. ठीक है. Next cubic polynomial हम consider करते हैं a x cube plus b x square plus c x plus d. Now sum of the roots here three roots alpha beta and gamma. Sum of the roots is minus b over a. Again b is coefficient of x square, a is coefficient of x cube. C is coefficient of x and D is here constant term. So alpha beta gamma is minus B upon A, sum of the roots. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to C upon A. And product of these three roots, that these three zeros, not roots, roots hote hain equation mein. Alpha into beta into gamma is minus D over A. अब इसको वैसे तो प्रूफ आपके लिए बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन प्रूफ इसको हम करते कैसे हैं. व्हेन टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन इज के एनी कांस्टेंट एक्स माइनस अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा. व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू we will get x square alpha plus beta into x and alpha into beta. Now compare. What is a? A is k. What is b? Minus alpha plus beta. And what is c? C is alpha into beta. Right? Now minus b upon a. Iske saath bhi k lenge aap aur iske saath bhi k aayega. माइनस बी अपॉन ए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? अल्फा प्लस बीटा इंटू के अपॉन के. के से के कैंसिल, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. इन द सेम वे व्हेन वी कैलकुलेट C over A. What is C? K into alpha beta upon A. A is K. K, K cancel out. That means alpha beta is C upon A. तो अगर हमें verify करना होता है कहीं पे relation, यानी verify the relation between alpha beta and ABC, तो हमने क्या करना है? जो भी equation हमें given है वहाँ से हम ABC की value find करेंगे और जो zeros की value है वो हमें calculate करना है by factorization. जैसे ही हमें alpha beta की value मिल जाए, sum of the roots एक side आपने solve करना है, minus b upon a दूसरा side, दोनों आपको same मिल जाना चाहिए. इसी type से alpha into beta calculate करना है और c upon a calculate करना है, वो दोनों की value भी same मिलनी चाहिए. और इसी type से हम क्या कर सकते हैं, quadratic क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं. सो एक क्वेश्चन देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, दिस इज गिवन पॉलिनॉमियल, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. हेयर कोफिशियंट्स आर वन, माइनस टू एंड माइनस एट. दैट मीन्स ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस टू एंड सी इक्वल्स टू माइनस एट. दीज आर कोफिशियंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. जीरोज के लिए इसको हमने सिंपली फैक्टराइज करना है. मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स में, फैक्टर्स किए. फैक्टर्स आर एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू. फर्स्ट फैक्टर को जीरो पुट करेंगे जो एक्स की वैल्यू है दैट इज अल्फा. सेकंड फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे जो एक्स की वैल्यू है दैट इज बीटा. अल्फा बीटा हमने फाइंड कर दिया है. ए बी सी की वैल्यू भी हमारे पास है इक्वेशन की हेल्प से. एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है, वन है, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू वन. बी इक्वल्स टू जो एक्स का मल्टीपल है माइनस टू और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज माइनस एट. माइनस बी काउंट करेंगे आप. नाउ एल्फा प्लस बीटा, फोर माइनस टू दैट इज टू. एंड एल्फा इंटू बीटा, फोर इंटू माइनस टू माइनस एट. नाउ वी कैलकुलेट माइनस बी अपॉन ए.
minus minus 2 upon 1, that is plus 2. C upon A, that means minus 8 upon 1, yani minus 8. So we say that alpha plus beta is minus B upon A and alpha into beta is C upon A. This is the relationship between zeros and coefficient of given polynomial. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आज आप प्रैक्टिस करेंगे. सो आज इस वीडियो में इतना ही. पसंद आए तो लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय बाय.